ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आजकल ठग लोग जिंदगी बनाने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ऐसा ही एक तरीका ढूंढा है ठगों ने बटाला में ठगी मारने के लिए। बटाला में सब्जी और फ्रूट विक्रेता की दुकान पर आकर उन्होंने विवाह का सारा सामान लिखवाया और कुछ देर बाद जब सामान पैक हो गया तो अपने घर फोन लगाकर कहा कि जल्दी आ जाओ, सामान पैक हो गया है। भगौड़े दुकानदार से ही 5,000 लेकर फरार हो गए। दुकानदार ने बताया कि मेरे पास दो लोग आए थे जिन्होंने आकर फ्रूट और सब्जी का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे घर शादी है, हमें यह सामान चाहिए। हम जल्दी से पैक करने लगे तो जैसे ही सामान पैक हुआ तो फिर उन्होंने अपने घर फोन लगाया, कहा कि मेरी माताजी पैसे लेकर आ रही हैं, हमने कुछ और सामान लेना है, तब तक आप हमें 5,000 दें। मैंने 5,000 नगद उनको दे दिया और वह पिछले रास्ते से फरार हो गए, जिसकी शिकायत मैंने पुलिस को कर दी है। हमारे पास CCTV फुटेज भी है। अपना नाम रमेश कुमार है। ठगी मारन का मसला दस मतलब कि जो भी है आए ने फ्रूट वगैरह उन्होंने हाई स्केल ज्यादा मेरे को मंगया, वो बावजूद उन्होंने टोकरी वगैरह की डिमांड होर कई चीजा मतलब कि क्या जिदा ब्याह का पूरा दसिया उन्होंने भी साढ़ा ऐतवार जोड़ा प्रोग्राम है खुशी वाटिका च तो सू उ सब्जी की डिमांड सारी चीज़ की की है। वो बाद उन्होंने अपनी मम्मी को फोन किया भी मैं मम्मी इतने आ जाओ तो मैं तुम्हें मतलब कि करना वा तो मुंडे जल्दी उन्होंने कहें पैसे दो थोड़े जो मुंडा भेजना तो मैं तुम आके पैसे देने मम्मी आ रही है। इस तरह मार के बैग छाड़ तो निकल गए कार लैके कार उधर पिछले किन्ने पैसे लै गए तुम 5,000 रुपए जो तुम 5,000 मंगया तो तुम शक नहीं पाया कि क्यों मंग रहे मेरे को पिया से पर मतलब कि बंदा देख के जा मतलब कि उस हिसाब ना उन्होंने कहा दो मिनट मैं इतने ही आदि दिना वा तुम तो मैं सोचा इतने खलोते कि निकल चले ने कि मैं उस तरह फड़ाता तो फिर वो जो गया उधरों निकल के पिछले मार्केट थानी मैं मगर बंदा भेजा मैं ध्यान रख रहा मैं मगर बंदा भेजा वा पर उतों कार लैके निकल गया पिछली गली च कार लगी थी वो तो कार लैके तो चल गए यदि कंप्लेंट की थी तुम कोई यदि भाजी फिर शुक्रवार तो नहीं की शनिवार जो अं किया इन्हों तो वो आके तो मौका देखा उन्होंने कौन आए जी पुलिस वाले आए थे अपने एस आई धीरज की ना चौकी बलदेव सिंह बस स्टैंड चौंकी तो CCTV कैमरे फुटेज आया थोड़े को हाँ जी हाँ जी कैमरे फोटो है ठीक न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट।